सुजानगढ़ रतनगढ़ में पानी के लिए हाहाकार, जन सुनवाई में रोपड़ी महिलाएं, घर घर जल पहुंचाने की योजनाएं हुई फेल। चूरू के सुजानगढ़ व रतनगढ़ में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा है। सीएस और सीएम के निर्देश भी यहां काम नहीं आ रहे। जन सुनवाई में आई महिलाएं यहां रोने लगी कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। शहर के वार्ड नंबर 45 की महिलाएं रो पड़ी। वार्ड की पाना देवी ने बताया कि उनके वार्ड में करीब 70 से 80 घरों में दो महीने से पानी नहीं आ रहा। 70 साल की उम्र में उन्हें दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि पानी नहीं होने के कारण वे 4 दिन से नहा नहीं पाई हैं। कितना दिन को नहीं आता पानी? विधायक भी हुए नाराज, अफसरों को लगाई फटकार। न कंपनियां काम कर रही है और न जलदाय विभाग के कर्मचारी। सुजानगढ़ पंचायत समिति में हुई जनसुनवाई में पेयजल की समस्या को लेकर रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा और एडीएम मंगलाराम पूनिया ने जलदाय विभाग और आपणी योजना के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। सुनिए विधायक पूसाराम गोदारा ने क्या कहा। कि पानी और बिजली के मामले में हालात वर्तमान में रतनगढ़ और सुजानगढ़ दोनों क्षेत्रों में बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित आपणी योजना की स्कीम फैल चल रही है। उसमें न तो एलएनटी काम कर रही है और न रियाल जो कंपनी है उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक एक गांव में 15-15 दिन तक पानी नहीं जा रहा है। जो लाइनें डाल दी गई है जेजेएम में, उनका अच्छा अच्छा महीने से मिलान नहीं कर रहा है और धूल चाट रही है। शर्मनाक बात है कि गांव में शेर सुजानगढ़ जैसे, छापर जैसे और रतनगढ़ जैसे शहरों में आपणी योजना की स्कीम के 7-7 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है। पानी के लिए बहुत हालात खराब है। विधानसभा में आने वाले वक्त में पानी और बिजली को लेकर के हम गंभीरता से सरकार को घेरेंगे कि आज 6 महीने में सरकार आने के बाद जो हालात आज पानी और बिजली की प्रदेश बनी है उससे बहुत हम नाराज नहीं है। जनता के आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपने अभी देखा है। महिला सैकड़ों इस मीटिंग और इस जन सुनवाई में आई है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि ऐसा हाई क्राइसिस कभी नहीं मची जिस पानी और बिजली के हो रही है। बिजली मेंटेनेंस के नाम पर पूरे 24 घंटा में 8-8, 10-10 घंटा मेंटेनेंस के नाम से काटी जा रही है। ये बहुत गंभीर बात है, इसके लिए मैं अधिकारी सतर्क हो जाए। उन्होंने कहा कि कई गांवों में 15 दिन तक पानी नहीं जा रहा है। जेजेएम में डाली गई लाइनों का 6-6 महीनों से मिलान नहीं किया गया है। शहरों में भी एक हफ्ते से पानी की सप्लाई हो रही है, यह शर्मनाक है। गोदारा ने कहा कि आने वाले समय में पानी और बिजली की समस्या को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। मेरे वार्ड में पिछले 3 सालों से लगभग समस्या आ रही है, जिन घरों में कम से कम 70 से 90 घर है, उन घरों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और वहाँ पे 3 इंची की लाइन लगी हुई है। मेरा निवेदन यही था विभाग से कि उस 3 इंच की लाइन को खोद कर देखा जाए, उसमें कुछ दांत है या कुछ कादा मिट्टी फंसा हुआ है, पानी की वजह से कुछ नीलम वगैरह आ जाती है, उसको खोद कर देखे और उस लाइन को चेंज करवा के उसको 6 इंच की लाइन नहीं डाली जाए, जो कम से कम गरीबों को जो पानी से बेदर हो रखे हैं उनको पानी की राहत मिल सके। सच यह है कि यहाँ पेयजल लाइन 3 इंच की है जो डटी हुई है, उसको यदि खोला जाए तो पेयजल आपूर्ति हो सकती है। क्षेत्र के लोग इस पाइपलाइन को बदलकर 6 इंच करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि महिलाओं की आंसुओं से अधिकारियों का दिल पसीजेगा और लोगों को पानी की आपूर्ति हो जाएगी। खासखबर.com के लिए चूरू से ब्यूरो रिपोर्ट।